नगर निगम हाउस की हुई दूसरी बैठक, सफाई व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर बैठक में हुआ जमकर हंगामा। मेयर मदन चौहान का कहना, सभी वार्डों के विकास कार्यों में आएगी तेजी। शहर की सरकार यानी कि निगम हाउस की दूसरी बैठक हुई। निगम हाउस की बैठक में सफाई व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर हाउस के सामने सवाल रखे। वहीं कई पार्षदों ने बताया कि समय पर अधिकारी फोन नहीं उठाते, ऐसे में वह जन प्रतिनिधि होने के नाते कैसे काम करवा पाएंगे। 19 मुद्दे रेगुलर रखे गए और 7 अन्य मुद्दे, कुल 26 मुद्दे पास किए गए। 4 एडहॉक कमेटियां बनाई गई, इस सब में मेयर चेयरमैन होंगे, बाकी सब कमेटियों में एक वाइस चेयरमैन होगा और अन्य पार्षद होंगे जो सैनिटेशन, फाइनेंस, बिल्डिंग मेटेरियल, सफाई व्यवस्था इन सब को देखेंगे। वहीं शहर में मीट की दुकानों से फैल रही गंदगी को दूर करने के लिए एक स्लॉटर हाउस बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। नगर निगम की हाउस की दूसरी बैठक थी। हाउस की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो कई पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए और इस दौरान बैठक हंगामेदार रही। मेयर मदन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 19 रेगुलर मुद्दे थे वह पास किए गए, 7 अन्य मुद्दे थे, कुल 26 मुद्दे हमने आज इस मीटिंग में पास किए। आने वाले समय में भी हमारे नगर निगम में जो 22 वार्ड है उनका विकास बड़ी तेजी से होगा, उसके लिए सारे मुद्दे जो थे हमने पास करवाए और पिछले मुद्दे हमने पास किए थे। 7 अन्य मुद्दों में थे, सारे के सारे 26 मुद्दे हमने पास किए हैं और जिससे कि आने वाले समय में भी हमारे नगर निगम जो 22 वार्ड है सबका विकास बड़ी तेजी से चले, उसके लिए सारे मुद्दे थे हमने पास कराए और जो पिछले मुद्दे हमने पास किए थे उनका रिव्यू किया, उसके बाद काम चालू हो गया, कुछ काम पेंडिंग है और कुछ आगे होने वाले। और देखिए, पार्षदों का, सफाई कर्मचारियों की, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, खुले मन से समर्थन करता हूँ। ये पिछली सरकारों का की जो देन थी, अटेंडेंस लगती थी, हाजिरी लगनी और उसके बाद सारे मस्ती करने का काम करते थे, उसको तोड़ने का हमने काम किया। जब मैं मेयर बनकर के आया, आपके ध्यान में होगा, पुराने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हमारे नगर निगम के कमिश्नर थे, उनके घर से भी, उनके करनाल के घर से भी, अन्य जो यहाँ अधिकारियों के घर में थे उनसे भी हमने निकालने का काम किया और कुछ लोग इनके घरों में काम करते थे। कल भी मैं कमिश्नर साहब के साथ बैठा, 7-8 लोग माली जो नगर निगम के अंदर भी काम करते थे उनको भी बाहर आज ही निकाला है। जितने बेलदार आए थे सारे के सारे काम कर रहे हैं। हमने 100% हाजिर लगवानी है, काम करवाना है, किसी को बेगार की तनख्वाह नहीं देने देंगे इसके अंदर। अब आने वाले 5 साल के अंदर करप्शन किसी को करने नहीं देंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई पार्षद हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे घर भी आप स्वयं जा करके देखना, आपको नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा।